आज समझ आ रहा है मुझे कि तुम्हारे हर प्लान में तुम्हारी असिस्टेंट कबाब में हटी क्यों बनती है। जब उसी के साथ रहना था तो मेरी फीलिंग्स का मजाक क्यों उड़ाया। मैं ये डिजर्व नहीं करती। जानता हूँ तुम ये डिजर्व नहीं करती। अमृता, अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है और मैंने वॉइस नोट भेजा था ना तुम्हें। मेरी फीलिंग्स तो पता है ना तुम्हें अमृता। कौन सा वॉइस नोट? वही जो मैंने कल रात को तुम्हें भेजा था। कितना झूठ बोलोगे तुम, कुछ तो शर्म कर लो। कोई वॉइस नोट नहीं भेजा तुमने मुझे। अमृता मैंने कल रात ही तुम्हें वॉइस नोट भेजा था। रुको दिखाता हूँ। अमृता मेरा फोन खराब हो गया है, पानी में गिर गया था। I swear मेरा फोन खराब था। Anyways, अच्छा हुआ फोन ऑन हो गया। तुम देख लो वॉइस नोट। क्या हुआ? इस इंसान को भेजा तुमने वॉइस नोट? तुम्हारी सेक्रेटरी जिसे अभी तुम आई लव यू बोल रहे थे? कंफ्यूजन एक बार होता है निहार, बार बार जो होता है वो कंफर्मेशन होता है। तुमने वॉइस नोट भी उसे भेजा, प्रपोज भी उसे किया, आई लव यू भी उसे बोला। आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, मुझे अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा है और मैं उनकी तलाशी नहीं लूंगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं मिस्टर कपूर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। Yes. जाओ बेटा। मेरे बैग में कैसे आया? हेलो। हेलो मिस्टर निहार, मैं इंस्पेक्टर विक्रम बोल रहा हूँ। मुझे आपसे रुचिता मित्तल के बारे में बात करनी है। कौन रुचिता मित्तल? आपकी असिस्टेंट। मेरी असिस्टेंट के बारे में क्या बात करनी है आपको? लगता है आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मिस्टर कपूर ने उन पर हीरे की चोरी का इल्जाम लगाया है। क्या मतलब? कल मैंने जो डायमंड चेंज किया था उसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी असिस्टेंट एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। मैं मिस्टर कपूर से खुद बात कर आपको कॉल करता हूँ। ठीक तो हो ना? मुझे टेंशन हो रही थी तुम्हारी। क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? अरे तुम्हारी असिस्टेंट ने तुम्हें इतना फेमस जो कर रखा है, मतलब कौन बोलेगा कि उस भैंजी के भोले से चेहरे के पीछे इतना बड़ा चोर छुपा है। तुम्हें किसने बताया? अमृता मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चोरी के खंजर से किया नौकर ने मालिक के विश्वास का कत्ल। गोयल ज्वेलर्स में हुई चोरी। रुचिता मित्तल ने चुराया लाखों का हीरा। लगता है पापा से बात करनी पड़ेगी। सीरियसली अमृता, मुझे निकिता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कौन निकिता? मेरी पीए। उसका नाम रुचिता है। हाँ वही, उसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है।
बेचारे की मेरी वजह से कितनी बदनामी हो गई। प्लीज निहार, तुम्हें उसके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गए ना माफी मांगने, तो बस। एनीवेज वो सब छोड़ो और ये बताओ, अपनी फैमिली से कब बात कर रहे हो हमारे बारे में? बहुत जल्दी करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हीरे के व्यापारी होकर एक ऐसी लड़की को अपने खानदान की बहू बनाना चाहते हैं जो सोना चढ़ा पीतल तक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है पूनम, हमसे रिश्ता जोड़ने की हैसियत ही नहीं है उनकी। अपने एम्प्लॉय की बेटी से तो हमारे पोते निहार की शादी करवाने की सोच भी कैसे सकते हो? और वो रुचिता एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, और हमारा निहार इतना हैंडसम है, अरे कोई बराबरी नहीं है इन दोनों की, एकदम बेमेल जोड़ी है। मैं मानता हूं मां कि दिखने में रुचिता बिल्कुल साधारण है, लेकिन जिम्मेदारी और संस्कार में आपके निहार से कई गुना ज्यादा अमीर है। केवल संस्कार से शादी नहीं निपटी, शादी निभाने के लिए आपसी तालमेल बहुत जरूरी है, और वो लड़की तो हम सबसे ही नहीं घुल मिल पाएगी, तो फिर निहार तो बहुत दूर की बात है। और समाज की भी सोचो नरेश, क्या कहेंगे सब? ऑफिस में काम करने वाली ऑफिस की हिस्सेदार बन गई। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। अरे तो बात ही नहीं हुई ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी होगी भी नहीं। निहार से बात करनी है ना तुझे, तू मर क्यों रही है? केले क्या कर रही है ज्योति, पागल है क्या? मैं क्या बात करूं उनसे? अरे वही जो मुझसे अभी कर रही थी। अभी इससे बात करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं इससे प्यार नहीं करता और इस शादी के लिए मना कर देता हूँ। नहीं निहार, तुम कुछ बोलोगे तो सारी बात तुम पर आ जाएगी और ये रुचिता सबके सामने महान बन जाएगी। बहुत स्वीट हो तुम, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी वो असिस्टेंट बहुत चालाक है, उसने कितनी बार हमें साथ देखा है, उसे पता है हमारे रिलेशनशिप का, फिर भी उसने बिना पूछे शादी के लिए हाँ कर दी। उससे हाँ करने से पहले पूछना तो चाहिए था। तुम्हारे पापा भी उसी के फेवर में हैं, तुम्हारी सुन भी नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा ना कहने का अभी? तुम्हारे मना करने से भी रुचिता तो नहीं रोकने वाली शादी, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। जिस तरह अभी फोन कट किया है उसी तरह तुम्हें अपनी लाइफ से कट ऑफ करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। पर इसमें गलत क्या है माँ? बड़ी बहू होने के रूप से एक पुश्ते निहार आपने रितु को दिया था, तो घर की छोटी बहू होने के हक से एक हार रुचिता को भी तो मिलना चाहिए। कौन सी छोटी बहू, कहाँ की छोटी बहू नरेश? अपने बेटे की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए तुम ये शादी जबरदस्ती कर रहे हो। तुम्हारे बेटे ने अभी तक रुचिता को अपनाया नहीं है, और जब वो अभी तक निहार की पत्नी नहीं बनी है तो हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? ना, कतई नहीं। उस मामूली सी लड़की को मैं अपना पुश्तैनी हार कभी नहीं दूंगी। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हर जगह तो आपकी मनमानी नहीं चल सकती ना, जबरदस्ती उस लड़की को आप इस घर की बहू बना सकते हैं, लेकिन उसे हम अपनी बहू माने या ना माने इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते आप हमें। और क्यों दे दे उस अनजान लड़की को हम अपना पुश्तैनी हार? पता नहीं उसे उसकी कदर होगी भी कि नहीं।